चलिए दोस्तों, आइए आज हम विषम संख्या में 5 से गुना करने का एक ऐसा ट्रिक बताने आ रहा हूँ जो आप चंद सेकेंड में इसे आप कर पाएंगे। इससे पहले मैं सम संख्या के 5 से गुना करने का ट्रिक बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख ले, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 75 में 5 से गुना करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम सम संख्या कंसीडर करेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो सम संख्या कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74। 75 है तो इसे सम संख्या में कंसीडर करना है, 74 आ जाएगा। अब 74 का आधा कर लेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 आ जाएगा। अब 37 आ गया ना, इसी को हमें यहाँ पे लिख देना है और इसमें 5 चिपका देना। बहुत इजी से आप कर पाएंगे। तो आगे है 87 को 5 से गुना करना है, तो 87 को हमें सम संख्या में कंसीडर करना है, तो 2 × 8 आ जाएगा और 7 है तो यहाँ पे 6 करेंगे तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से 8 को भाग करेंगे, 4 आएगा। यहाँ पे 6 करना है मतलब इसे हम सम संख्या में कंसीडर करेंगे तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा और 1 × 5 चिपका देना है। ठीक है, ये ठीक समझ में आ गया। उसी तरह से इसे भी हम हाफ करेंगे, सम संख्या मानेंगे और हाफ कंसीडर करेंगे तो 2 × 8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा आप 14। देखिए यहाँ पे हम करके बता दे रहे हैं, 95 है तो 94 करेंगे इसे कंसीडर, 95 है तो 94 यहाँ पे हमें कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि सम संख्या का हम ऑलरेडी पहले बचा चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे भी कर पाएंगे। तो 94 को हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 8, 9 बचा, 1 यहाँ पे आ गया तो 2 × 7 = 14, 47 आ गया। तो 47 में हमें 5 चिपका देना, ये इजीली हम कर लेंगे। उसी तरह से 147, तो इसे भी हमें 147 को क्या करना है, हमें इसे इवन नंबर मतलब सम संख्या डिनोट करना है, तो 146 आ जाएगा, इसका आधा कर लेंगे तो 2 × 7 = 14 आ जाएगा और 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो 73 आ गया और 73 में 1 विषम संख्या चिपका देना। उसी तरह से आप 1875 को भी 5 से गुना कर सकते हैं, तो 1875 को हम सम संख्या में अगर करेंगे तो 1874 आ जाएगा, इसको भी आधा कर लेंगे तो 2 × 9 = 18 आ जाएगा, फिर 2 × 3 = 6 आ जाएगा, फिर 2 × 7 = 14 आ जाएगा, तो 937 और 1 विषम संख्या 5 जो होता है सब में चिपकाना है। विषम संख्या में गुना करने के लिए लास्ट के अंक में 5 सब में चिपका देना है, यही एक ऐसा ट्रिक था। तो चलिए और हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं ले लिया 1765, इसमें 5 से गुना करना, तो 1765 को हम एक सम संख्या में कंसीडर करेंगे तो 1764 कर लिए। अब इसमें हमें 2 से भाग कर देना मतलब आधा कर देना इसका, तो 2 × 8 = 16 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 832 आ रहा है करने पे। अब हमें 5 चिपका देना, ये सारे अंकों में चिपकाएंगे। उसी तरह से हम एक और संख्या ले लेते हैं, ये 16775 में 5 से गुना करना, इसको आप कमेंट में बताएंगे क्या होता है आंसर। अगर आपको इतना चीज़ें समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्सों के बाद, क्योंकि वो भी इस चीज़ को सही से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।